मंच पर और सभागार में मेरे अनेक आदरणीय बैठे हुए हैं और बहुत सारे प्रिय लोग भी बैठे हुए हैं। मैं सबको नमस्कार करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। असल में आज की गोष्ठी का जो पूरा विषय आपके सामने लिखा दिखाई दे रहा है, उस सब पर बोलने के लिए कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। जानता हूँ कि ना आपके पास इतना समय है और न मेरे पास है, इसलिए अध्यक्ष मंडल के अपने वरिष्ठ साथियों की सलाह को मानते हुए आधे विषय पर ही मैं बात करूंगा। मतलब हिंदी उपन्यासों में लोकतंत्र पर बात मैं नहीं करूंगा। केवल मित्र सेन मित के उपन्यासों के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मित्रों, इन तीनों उपन्यासों को, मतलब तफ्सीस, कटहरा और सुधार घर का एक संयुक्त नाम है उपन्यासों का, वो है राम राज्य। अगर आप तीनों उपन्यासों को बारी बारी से पढ़ें तो मुझे लगता है कि इन तीनों उपन्यासों के एक साथ छपे हुए रूप का नाम राम राज्य होने के बदले रावण राज्य होना चाहिए। पर राम राज्य में एक गहरा व्यंग है। तीनों उपन्यासों की भाषा शैली पर अगर आप ध्यान दें तो उसमें व्यंग के 3 तरह के रूप हैं, जिसकी शुरुआत राम राज्य शीर्षक से होती है। एक स्तर पर कहीं कहीं व्यंग गुदगुदाने वाला है, दूसरे स्तर पर कहीं कहीं व्यंग चिकोटी काटने वाला है, और तीसरे स्तर पर व्यंग कहीं कहीं सुई चुभोने वाला है। यह भी है कि अलग अलग वर्ग के पाठकों के लिए ये उपन्यास व्यंग के इन 3 रूपों का अलग अलग प्रभाव डालते हैं। आप अगर इन उपन्यासों को ध्यान से पढ़ें तो मेरे सामने एक सवाल यह है कि दुनिया के बड़े उपन्यासों की एक बुनियादी विशेषता यह है कि वो अपने समय के समाज में प्रचलित कुछ विचारों के सामने सवाल खड़ा करते हैं। अंग्रेजी में एक आलोचना का सिद्धांत, स्कूल और व्यापार तीनों चल रहा है। कुछ लोग भारत को और भारत जैसे बहुत सारे देशों को उत्तर औपनिवेशिक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज कहते हैं। ये उपन्यास इस धारणा के सामने सवाल उठाते हैं, क्या हम सचमुच पोस्ट कॉलोनियल हैं? देखिए, पोस्ट मॉडर्न के साथ जोड़कर पोस्ट कॉलोनियल को देखिए, उत्तर औपनिवेशिकता को देखिए, तो उसका अर्थ ये होगा कि हम औपनिवेशिकता के सारे प्रभावों से मुक्त हो गए हैं, इसलिए उत्तर औपनिवेशिक हो गए हैं। ये तीनों उपन्यास इस धारणा के सामने सवाल उठाते हैं।
मुझे नहीं मालूम कि पंजाबी में क्या स्थिति है, पर हिंदी में उत्तर औपनिवेशिकता लगभग फैशन के तौर पर जहां तहां प्रयुक्त होने लगा। पहला उपन्यास है तफसीस। आप देखिए कि ये उपन्यास उत्तर औपनिवेशिकता के विरुद्ध कैसे खड़ा है। इस उपन्यास में भारतीय पुलिस व्यवस्था, उसके कर्मचारियों का चरित्र, उनका व्यवहार और उनकी करतूतों का ब्यौरेवार वर्णन है। जैसा वर्णन भारतीय पुलिस का इस उपन्यास में है, जो स्वरूप उससे पुलिस तंत्र का उभरता है, क्या वह एक सचमुच स्वाधीन देश की पुलिस का चरित्र है? इसीलिए इस उपन्यास के शुरू में एक कथन दिया हुआ है, अर्थात उदाहरण दिया हुआ है। ने निर्णय में ये घोषणा की थी, वर्षों उस पर बहस होती रही कि हिंदुस्तान में बदमाशों का सबसे संगठित और सबसे सशस्त्र गिरोह वही है जिसको पुलिस कहा जाता है। ये एक तरह से वर्तमान भारत में जो पुलिस तंत्र है और उसकी जो गतिविधियां हैं, उसका ब्यौरा ये उपन्यास देता है। स्वतंत्र भारत की पुलिस, उसके न्यायालय और जेल, जिन कानूनों के आधार पर संचालित होते हैं, वे कानून कैसे हैं, किनके बनाए हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें इन तीनों उपन्यासों के माध्यम से आपके सामने आती हैं। और जो बातें आती हैं वो विचलित करने वाली हैं। मैं केवल एक दो बातों की ओर संकेत करूंगा। आप पहले यही देखिए कि उपन्यासकार क्या कहता है इन कानूनों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुरजीत सिंह बरनाला तक सबने जेल का स्वाद चखा है। मोटी मोटी किताबें लिखकर जेल के कानून और जेल प्रबंधों की धज्जियां उड़ाई है, पर कुर्सी पर बैठते ही उन्हें सब कुछ भूल जाता रहा है। जनपक्षीय कानूनों का निर्माण तो क्या करना है, इन्हें तो अभी तक अंग्रेजों द्वारा कैदियों पर गांधी टोपी पहनने की लगाई गई पाबंदी हटाने की भी फुर्सत नहीं मिली है। यह अंग्रेजों के उत्तराधिकारी है। मतलब स्वाधीन भारत की सत्ता और सरकार अंग्रेजों के उत्तराधिकारी है। मैं इसकी विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा कि उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है, पर आप जानते हैं कि उत्तराधिकारी होने का एक मतलब तो यही है कि उन्हीं के बनाए हुए नियम कायदे कानून और उन्हीं के दिखाए गए रास्ते और उद्देश्य पर स्वतंत्र भारत की सत्ता चलती है। लिखा है इन्होंने, उनके बनाए रास्तों पर ही चल रहे हैं। ये कानून लोगों को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, ऐसा ही मौजूदा सत्ताधारी चाहते हैं। इनका दिमाग नहीं घूमा कानून को नए सिरे से क्यों लिखें। ये है
हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, आप में से जो जानकार लोग हैं, और मैं जानता हूं कि इसमें संभव है कि मीत जी के अलावे और भी वकील लोग हो सकते हैं, इसलिए कानूनों के बारे में वो बेहतर जानते हैं। दूसरे लोग भी हैं जो कानूनों को जानते हैं। हमारे देश में जो फौजदारी कानून है और जो दीवानी कानून है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि उसमें से कितने अब भी ब्रिटिश काल के बनाए हुए कानून हैं जो दोनों फौजदारी और दीवानी कानून अब भी चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में एक बहस होने वाली है, कैबिनेट ने एक कानून पास करने का निर्णय लिया है, लैंड एक्विजिशन बिल। आज तक जो सेज बनते रहे हैं देश भर में, सेज माने उनकी भाषा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मेरी भाषा में स्पेशल एक्सप्लॉयटेशन जोन। सेज वैसे ही बना रहेगा, केवल शब्द बदल जाएंगे। ये अंग्रेजों के बनाए लैंड एक्विजिशन बिल के आधार पर अब तक बनते रहे हैं। भारत सरकार को लगता है कि वो पर्याप्त कड़े नहीं हैं और उतने दमनकारी नहीं है, इसलिए इस कानून को दोबारा बनाया जा रहा है। मतलब भारत सरकार कानूनों को अगर बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो इसका यही मतलब समझिए कि अधिकांशतः उनको अधिक से अधिक दमनकारी बनाने की कोशिश करती है। एक तरह से जो व्यवस्था हमारे सामने है वो झूठ और लूट की व्यवस्था है दोस्तों, और झूठ और लूट की व्यवस्था दमन के आधार पर चलती है। इन उपन्यासों को आप पढ़िए, और खास तौर से न्यायालय पर केंद्रित जो उपन्यास है उसको पढ़िए, तो आपको इन उपन्यासों में और विशेष रूप से उस उपन्यास में भारतीय कानूनों का समाज शास्त्र दिखाई देगा, अभी जिसका व्यवस्थित अध्ययन किया जाना बाकी है। मित्रों, एक और प्रसंग है इस एक उपन्यास में, सासी जनजाति के एक युवक को फंसाए जाने की बात सामने आती है। आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, ये सासी जनजाति वो है जिसे अंग्रेजी जमाने में जराइम पेशा जनजातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। हमारा जो स्वतंत्र भारत का शासन तंत्र है वो कैसे बिहेव करता, व्यवहार करता है, उसका एक प्रमाण देखिए। 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और उन सभी जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया जिन जनजातियों ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों का, विद्रोहियों का साथ दिया था। आप देखेंगे ये अंग्रेज दुनिया में सभ्यता फैलाने का दावा करते थे, दुनिया में कहीं ऐसा सभ्य सरकार का कानून नहीं है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट की सबसे असभ्य बात ये थी कि जो व्यक्ति क्रिमिनल है वही उसके दायरे में नहीं आता था, उस ट्राइब में पैदा होने वाला बच्चा जन्म से क्रिमिनल माना जाता था। दुनिया में ऐसा कोई असभ्य कानून कहीं नहीं था जैसा अंग्रेजों ने बनाया। 1952 में
किसी ने जवाहरलाल नेहरू को ये बताया कि इस तरह का एक कानून है। फिर भारत सरकार ने निर्णय लिया कि इन क्रिमिनल ट्राइब्स को डीनोटिफाइड करें, इसलिए उनको आजकल डीएनटी कहा जाता है, डीनोटिफाइड ट्राइब्स। ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं इनकी कुल संख्या 150 से ज्यादा है, उसमें सांसी एक जनजाति है। पर जो स्वतंत्र भारत की सरकारें विभिन्न प्रांतों की हैं और जो पुलिस है उसका हाल देखिए। जब केंद्र की सरकार ने इस कानून को लगभग रद्द करते हुए डीनोटिफाइड कर दिया तो देश के अनेक प्रांतों में, मुझे नहीं मालूम कि पंजाब में ये हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी उस जनजाति के अनेक जनजातियों के लोग बहुत हैं, तो प्रांतों की सरकारों ने एक नया कानून बनाया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। और उस हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत उन जनजातियों को फिर वही पुलिस कानून और जेल के दायरे में लाने की कोशिश हुई। यह भी साबित करता है कि हम कम से कम उपनिवेशवाद के प्रभावों से तो मुक्त नहीं हुए हैं। इसमें जो कटेरा नाम का उपन्यास है उसके केंद्र में न्यायालय है। ये न्यायालय आप में से जिन लोगों ने देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता चंद्रकांता संतति आदि को पढ़ा होगा, उन लोगों को ध्यान आएगा कि उसमें तिलस्म होते थे। ये स्वयं न्यायालय व्यवस्था एक तिलस्म है और वकील जो हैं उसमें लगभग अय्यार और बाजीगर की तरह है। ये जो ब्रिटिश जमाने के न्यायालय थे और उस जमाने के जो वकील थे उनकी आलोचना एक और वकील ने की थी, मैं उनका एक उद्धरण पढ़ रहा हूँ, उद्धरण बहुत लंबा है लेकिन कुछ हिस्सा पढ़ूंगा। वकीलों से सबसे बड़ा नुकसान तो यह हुआ कि अंग्रेजों का जुआ हमारी गर्दन पर मजबूत जम गया है। आप सोचिए, क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी अदालतें यहाँ न होती तो वे हमारे देश में राज कर सकते थे? ये अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं हैं, जिन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी है वे अदालतों के जरिए लोगों को बस में रखते हैं। लोग अगर खुद अपने झगड़े निपटा लें तो तीसरा आदमी उन पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकता। एक तरह से ये अंग्रेजी राज के सहायक के रूप में अदालतें काम करती हैं। जो उदाहरण मैंने आपके सामने पढ़ा है एक वकील का, वो वकील थे महात्मा गांधी। उदाहरण जहाँ से मैं पढ़ रहा था ये उनकी किताब है हिंद स्वराज, 1909 की लिखी हुई किताब। मेरा ख्याल है कि मित्रसेन मीत के किताब कटहरा के शुरू में गांधी जी का उद्धरण भी अगर हिंद स्वराज से छाप दिया जाए तो मालूम होगा कि 1909 से लेकर आज तक हिंदुस्तान की न्यायालयों के चरित्र में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए एक बार फिर साबित होता है कि हम औपनिवेशिकता के गहरे प्रभाव में जी रहे हैं।
जो तीसरा उपन्यास है सुधार घर, आप पूरे उपन्यास को पढ़ जाइए और मुझे फिर उपन्यास को पढ़ने के बाद ये लगने लगा कि इसका नाम सुधार घर, ये जेलों पर केंद्रित उपन्यास है, इसका नाम सुधार घर नहीं यातना घर होना चाहिए था उपन्यास का नाम। भारतीय जेलें यातना की जगह है। महत्वपूर्ण इससे ज्यादा ये है कि कौन लोग अधिक संख्या में जेल में जाते हैं और रहते हैं। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अरबों का चोरी करता है, ये टाटा बिरला जगदीश मित्तल या ये जो अंबानी के सुपुत्र हैं दोनों, ये छोटी मोटी, अभी भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देश के बंबई के बगल के तेल की संपत्ति को लूट रहे हैं। 5 रुपया चोरी करने वाला आदमी वो तो जेल में सड़ता है सालों, और 500 करोड़ की चोरी करने वाला संसद में बैठता है। मुझे तो बराबर लगता है कि संसद में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको संसद में होने के बदले जेल में होना चाहिए, पर उनके पास पैसा है, साधन है, वो न्यायालय और वकीलों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसीलिए लिखा है मीत जी ने कि 80% कैदी वही हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं और असहाय हैं। कैदियों की गरीबी, सरकार की बेरुखी और अदालतों की लापरवाही के कारण गरीब जेलों में सड़ते हैं। लेखक की राय यह है कि साधारण आदमी को मौजूदा न्याय प्रबंध से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि उपन्यासकार स्वयं एक जाने माने वकील हैं, इसलिए वो भीतर से तीनों को जानते हैं, पुलिस तंत्र को, अदालतों को और जेलों को। इसलिए इन तीनों के बारे में जो वर्णन इन तीनों उपन्यासों में है वो उनके अनुभव और व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रामाणिक और प्रभावशाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये उपन्यास गहरे स्तर पर राजनीतिक उपन्यास हैं और समाज व्यवस्था को बदलने की आकांक्षा से लिखे गए उपन्यास। आप तीनों उपन्यासों को पढ़िए तो तीनों में एक एक पात्र ऐसा दिखाई देता है जो व्यवस्था से मोह भंग के बाद उस व्यवस्था से बाहर जाता है और आम जनता के साथ जुड़ता। पहले उपन्यास में गुरमीत नाम का एक वकील, दूसरे उपन्यास में प्यारे लाल नाम का एक वकील है, और तीसरे उपन्यास में हाकम नाम का एक वकील है। मैं मानूंगा चौथा कि तीसरा मेरे लिए तो तीसरा है सुधार घर, उसमें हाकम नाम का वकील है। मैं ये मानूंगा और कहूंगा कि वकीलों की सारी आलोचना के बावजूद मित्र जी को विद्रोह करते हुए वकील ही दिखाई पड़ते हैं, तो मानना होगा कि पैसे से कुछ लगाओ तो उनका है ही, आत्मीयता तो है ही। ये जो बाहर जाते हैं वो जाते कहाँ हैं?
जब मैं कह रहा हूं कि ये उपन्यास गहरे स्तर पर राजनीतिक हैं, तो यह भी इनसे निकलता है तीनों उपन्यासों से कि संगठन और संघर्ष से ही व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ये तीनों के तीनों आम जनता के संगठन और संघर्ष की ओर जाते दिखाई देते हैं। मित्रों, आलोचना का अधिकार लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता। मित्र सेन मीत ने अपने उपन्यासों में वर्तमान भारतीय राजसत्ता के दमनकारी अंगों और रूपों की निर्मम आलोचना की है। ये निर्मम आलोचना क्या हुई? ये धारणा कार्ल मार्क्स की है। स्वयं मार्क्स ने 1843 के अपने एक पत्र में इसकी व्याख्या की है। मैं उनके दो वाक्य पढ़ने के बदले उसका सारांश बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि निर्मम आलोचना का पहला अर्थ तो ये है कि ऐसी आलोचना जिसके निष्कर्ष के परिणामों की चिंता न की जाए, और दूसरे कि जिसके निष्कर्ष का सत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव से भयभीत न हुआ जाए, वही आलोचना निर्मम आलोचना होगी। इसीलिए ये तीनों उपन्यास भारत में जो लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े उपन्यास दिखाई देते हैं। लोकतंत्र असल में मूल रूप से साधारण जनता के उत्थान का शासन तंत्र होना चाहिए। ये जो डेमोक्रेसी शब्द है उसमें डेमो जो शब्द है मूल, उसका मतलब है पीपुल, जनता। इसीलिए माना जाना चाहिए और माना जाता है, बड़े दुनिया के विचारकों दार्शनिकों ने माना है कि लोकतंत्र आम जनता के उत्थान का शासन है। पर इस देश में अभी जो सत्ता है और व्यवस्था है उसके सामने देश के विकास के तीन पैमाने। पहला ये कि देश में कितने लोग करोड़पति बन गए हैं, ये रिपोर्ट छप चुकी है अखबार में। दूसरा पैमाना ये है कि सेंसेक्स कितना ऊपर चढ़ा है या कितना नीचे गिरा है। बाकी इसकी चिंता किसी को नहीं है कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग भूख और कुपोषण से मरे हैं, और कितने आदिवासी विस्थापित हुए। विकास का इससे भी कोई संबंध है? इसकी चिंता किसी को नहीं। और तब जाहिर है कि कुछ सत्ता के मित्र हैं तो कुछ जनता के भी मित्र हैं। सत्ताओं का चरित्र ये है कि जो जनता के मित्र हैं उनको अतिवादी, आतंकवादी या माओवादी कुछ भी कहकर, ये छत्तीसगढ़ से लेकर बंगाल तक हो रहा, उनका दमन करना जरूरी है। और जो सत्ता के मित्र हैं वो कभी कभी सिद्धांत की सीढ़ियां चढ़कर सफलता के सिंहासन पर पहुंच जाते हैं। हमारे देश में एक समस्या ये भी है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी साहित्यकार सत्ता से सुविधा पाने को जीवन का लक्ष्य समझते हैं, जनता के जीवन का सच कहने का लक्ष्य सामने लेकर नहीं चलते। और सरकारें अपनी ही बनाए कानूनों को नहीं मानती। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। 2006 में भारत के योजना आयोग ने एक आयोग का गठन किया। 15 लोग उसके सदस्य थे, चेयरमैन थे डी बंदोपाध्याय, बहुत प्रसिद्ध
बंगाल के पुराने आईएएस हैं और अभी समय एक कलकत्ते के समाज विज्ञान संस्थान से जुड़े हुए, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, यूजीसी के चेयरमैन थे, बीडी शर्मा, ब्रह्मदेव शर्मा थे, सब मेंबर थे। 1908 में वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को सौंप दी गई। केवल एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उस कमीशन का उद्देश्य यह था कि देश में अतिवाद, वामपंथी अतिवाद, नक्सलवाद क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे मिटाया जाए, यही उद्देश्य था कमीशन। डी बंदोपाध्याय कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि उनको आम जनता की सहानुभूति इसलिए मिलती है कि सरकारी मशीनरी स्वयं सरकार द्वारा पास किए गए कानूनों को ठीक से लागू नहीं करती, उन कानूनों को वो लागू करवाते। उदाहरण दिया गया है उसमें कि जैसे मान लीजिए मिनिमम वेजेज एक्ट है, ये जो खाने हैं और दूसरी चीजें आजकल जो चल रही हैं उसमें मजदूरों को ठेके पर बुलाया जाता है, ठेकेदार आधी मजदूरी देता है और अगर मजदूर काम करने से मना करें तो अपने गुंडों से पिटवाता है। जिनको नक्सलाइट कहा जाता है वो ये करते हैं कि ठेकेदारों को कहते हैं कि तुम पूरी मजदूरी दो नहीं तो ये काम नहीं करेंगे और अगर इनको पिटवाओगे तो तुम्हें हम पीटेंगे। उनके डर के मारे वो पूरी मजदूरी देते हैं। ऐसी स्थिति में उन मजदूरों की सहानुभूति सरकार से होगी कि उन नक्सलपंथियों से होगी? डी बंदोपाध्याय कमेटी ने कहा है कि सरकारें और उनके जो प्रशासन है, पुलिस है, वो अपने ही बनाए हुए कानूनों को ठीक से लागू करें तो बहुत सारी समस्या हल हो सकती है। मित्रों, क्या आपको इतने महत्वपूर्ण कमीशन की रिपोर्ट की कोई खबर है? हिंदुस्तान के एक अखबार ने इस खबर को नहीं छापा, किसी टेलीविजन ने इसको नहीं दिखाया। वो रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन के पास पड़ा हुआ है, आप में से जिसकी दिलचस्पी हो वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकर स्वयं पढ़ सकते हैं, मुझे कोई कॉन्फिडेंशियली गुप्त रूप से प्राप्त नहीं हुआ। ये है सरकार का चरित्र, वह चरित्र इन उपन्यासों के माध्यम से आपके सामने आता है। मैं लगभग अंत में उपन्यास की संरचना के बारे में एक दो बातें करूंगा। ये जो इस उपन्यास की संरचना के पीछे गहरी समाज शास्त्रीय कल्पना की क्रियाशीलता दिखाई देती है, मित्रों जिसको समाज शास्त्रीय कल्पना कहते हैं वो दो तरह से काम करती है और उपन्यास में खासतौर से। उपन्यास में कुछ पात्र होते हैं, इन उपन्यासों में बहुत सारे पात्र हैं, उन पात्रों की कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, समाजशास्त्री कल्पना उन व्यक्तिगत समस्याओं को उभार कर सामने लाती है। लेकिन बेहतर समाजशास्त्री कल्पना वह है जो ये जाने और माने कि व्यक्ति की, वो चाहे पुलिस के प्रसंग में या न्यायालय के प्रसंग में या जेल के प्रसंग में जो तबाहियां हैं उनका कारण व्यक्तिगत नहीं है। कोई एक पुलिस अधिकारी सारे पुलिस तंत्र की ज्यादतियों का जिम्मेवार एक अधिकारी है चाहे सिपाही नहीं है, सारा सिस्टम इस तरह का है कि उसमें उसके अलावा वो कुछ हो ही नहीं सकता, उद्देश्य उसका वही है। तो जो समाजशास्त्रीय कल्पना पर्सनल ट्रबल्स को सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स के रूप में देखती है वही समाजशास्त्रीय कल्पना ठीक से उपन्यास में समाज की समस्याएं रख सकती है, ये है इस उपन्यास। इसलिए इस उपन्यास इन तीनों को आप पढ़ें तो उसमें पात्रों की
बायोग्राफी भी मिलेगी और हिस्ट्री भी मिलेगी। फूको, मिशेल फूको जिसे अनुशासन और दंड का दुष्चक्र जिसे कहते हैं डिसिप्लिन एंड पनिश, ये सत्ताएं इसी दुष्चक्र के सहारे चलती हैं और टिकी रहती हैं। इसी दुष्चक्र को, उसकी बारीकियों को व्यक्त करने की कोशिश इन उपन्यासों में दिखाई देती है। आप अगर किसी सभ्यता को ठीक से जानना चाहें तो उसकी और बहुत सारी चीज़ों के अलावे उसकी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। हर सभ्यता की अपनी एक भाषा होती है। ये जो पूंजीवादी सभ्यता है, इसकी दो बुनियादी विशेषताओं की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। एक तो उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में जन्मजात बर्बरता होती है और दूसरी अथाह पाखंड होता है। वर्तमान भारत को, सारी दुनिया को छोड़ दीजिए, पूंजीवादी व्यवस्था के भाषा पर अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों बातें दिखाई देंगी। एक नमूना लीजिए, छत्तीसगढ़ में एक अभियान चल रहा है सलवा जुलूम नाम का। सलवा जुलूम क्या है, इसमें से आप में से बहुत लोग जानते हैं, मैं उसका ब्यौरा नहीं दूंगा। कहना केवल मुझे ये है कि सलवा जुलूम आदिवासियों का की भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है सफाई। सफाई के नाम पर वहाँ क्या हो रहा है ये आप सब लोगों को मालूम है। ये भाषा में बर्बरता भी है और पाखंड भी है, सफाई कहकर उसको बड़ा भोला भाला आपको मालूम है। एक शब्द चलता है वर्तमान व्यवस्था के औचित्य के लिए उदारीकरण, दूसरा शब्द चलता है आर्थिक सुधार। देश को बेचने का नाम है उदारीकरण और निजीकरण का अर्थ है सुधारीकरण। ये शब्द हैं। आजकल भाषा के शब्दों के अर्थ बदल गए। आजकल प्रगतिशील वह नहीं है जो जनता के लिए लड़ता है, प्रगतिशील वह है जो पूंजीवाद के वर्तमान रूप का समर्थन करता है। ये है भाषा का पाखंड। आप अगर इन उपन्यासों को पढ़ें तो भाषा की, सत्ता की भाषा की बारीकियों की पहचान मिलेगी। थाने के बाहर बैठा हुआ संतन, उसकी भाषा का एक रूप रंग है। उसे चार कदम भीतर बैठे मुंशी की भाषा दूसरे स्तर की है, उसके भी भीतर बैठे हुए थानेदार की भाषा अलग किस्म की है। ये जो भाषा के विभिन्न स्तर हैं, उससे पुलिस तंत्र की सभ्यता का, अगर आप चाहें तो उसे सभ्यता कहें, सभ्यता का पता चलता है। मित्रों, अंत में फिर वो बात दोहराना चाहता हूँ कि ये उपन्यास व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से लिखे गए, पर व्यवस्था बदलेगी कैसे, साहित्य कैसे व्यवस्था बदलने में मदद करता है। साहित्य का काम है पहले चेतना को बदलना, अपने पाठकों की चेतना को बदलना। चेतना को बदलने का काम कैसे होता है, समाज के बारे में जो वास्तविकता है उसका ज्ञान पाठकों तक पहुंचाना, ये तो रचनाकार करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आलोचक नाम के जो जीव जंतु हैं वो व्याख्या का काम करते हैं। इसलिए सत्ता के परिवर्तन के लिए तीन हिस्से हुए, चेतना का परिवर्तन, चेतना को नया ज्ञान देना, और इन दोनों के संबंधों की व्याख्या करना। अगर ये सब हुआ तो इस माध्यम से उपन्यास एक काम करता है। नीति के उपन्यास भी वो काम करते हैं। वो काम ये है कि ये उपन्यास
व्यक्ति को सामाजिक बनाते हैं और समाज को मानवीय बनाते हैं। साहित्य अधिक से अधिक यही काम कर सकता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।